गुड मॉर्निंग एवरी वन. आई एम ए टीचर प्रभा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल. हॉलीडे होमवर्क फॉर समर वेकेशन क्लास नर्सरी. ये आपका हॉलीडे होमवर्क है क्लास नर्सरी का. ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आ से आह तक पेंसिल फेरो. आपको आ से लेके आह आह तक पेंसिल फेरनी है. आ से लेके आह खाली तक आपको पेंसिल फेरनी है. फिर सेकंड है अक्षरों को देखकर लिखो. आपको आ से लेके आह खाली तक पे आह खाली तक देखकर लिखना है. नेक्स्ट है आपका मिलान करो. मिलान करो देखिए जैसे कि ये आ है तो आ को आ से मिलाना है. ऐसे ही आपको सारे अक्षर को एक दूसरे से अक्षर से मिलान करना है. नेक्स्ट है आपका चित्र में देखकर आ अक्षर पर गोला लगाएं. देखिए यहाँ मैंने ये मैंगो बनाया है. इस मैंगो में मैंने काफ़ी सारे अक्षर लिखे हैं लेकिन आपको सिर्फ आ अक्षर पर इसमें गोला करना है. नेक्स्ट है छूटे हुए अक्षर लिखिए. यानी कि आ से आह तक मैंने यहाँ पर फिलिंदा ब्लैंक्स दिया हुआ है. इसमें आपको जो अक्षर छूटे होंगे वो अक्षर लिखने. जैसे आ से अनार के बाद क्या आता है, बड़े आ से आम, छोटी सी इमली के बाद बड़ी से ईंट. ऐसे करके आपको आ से आ तक फिल करना है. फिर देखिए चित्र में चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला लगा. यहाँ पर मैंने ये चित्र बनाए और अक्षर भी लिखे हैं. जैसे कि क्या होता है आ से अनार, तो आपको आ से अनार पे सर्कल करना है, गोला करना है. ऐसे ही आपको ये सारा वर्क करना है. फिर चित्र देखकर अक्षरों से मिलान करो. यहाँ पर ये चित्र है, यहाँ पर ये अक्षर है. चित्र को अक्षर से मिलान करना है. ये बना है चित्र का कबूतर, तो इसमें हमें देखना है कि का अक्षर कहाँ है. ये है ना, तो हमें का अक्षर को का कबूतर से मैच करना है, मिलान करना है. ओके नेक्स्ट है आपका चित्र पहचान कर चित्रों से मिलान करो और रंग भरो. यहाँ पर मैंने ये चित्र बनाए हैं, इस साइड में भी ये चित्र हैं. जैसे कि मैंगो को मैंगो से यानी आम को आम से मिलाना है और इसमें कलर भी करना है कि मैंगो किस कलर का है, ग्रेप्स किस कलर का है. इस तरह से आपको ये वर्क कंप्लीट करना है. और देखिए इंग्लिश में आपको ट्रेस करनी है पेंसिल और ये है ट्रेस ऑन द गिवन लेटर्स एंड मैच देम विद देयर पिक्चर्स. यानी कि ये जो मैंने यहाँ पर लेटर्स लिखे हैं इनमें आपको ट्रेस करनी है पेंसिल और मैच करना है पिक्चर से. जैसे ए फोर एप्पल, तो ए फोर एप्पल को एप्पल से मैच करेंगे. ओके फिर है राइट द लेटर फ्रॉम ए टू एफ. आपको कैपिटल लेटर में ए से लेके एफ तक इन सर्कल में फिल करना है. नेक्स्ट है डू द मैचिंग इन अल्फाबेट. यहाँ पर अल्फाबेट लिखे हैं ये लेटर जे से एन तक, आपको मैच करना है. जैसे जे फोर जट, तो कहाँ पर है यहाँ जे, ये रहा. आपको ऐसे जे से जे को मैच करना है. ये देखिए फिर यहाँ पर ये नेक्स्ट है आपका रिकॉग्नाइज द पिक्चर्स एंड टिक मार्क्स ऑन द करेक्ट लेटर्स एंड फिल द कलर गिवन पिक्चर. आपको इन पिक्चर्स में कलर भी करना है. और जैसे ये क्या है, यहाँ पर मैंने ये लेटर्स लिखे हैं कि मतलब इस लेटर में पहचान कर आपको टिक करना है. जैसे ये क्या है जे फोर जग, तो जे कहाँ है, ये रहा. तो आपको इसमें टिक का मार्क्स लगाना है, यानी कि इसको राइट का निशान लगाना है. ओके नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट जी के सेल्फ इंट्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ बॉडीज. आपको अपनी बॉडी पार्ट्स के बारे में बताना है. गुड मैनर्स, आपको गुड मैनर्स एंड गुड हॉबी सीखनी है, अच्छे से बोलना आना चाहिए आपको. ओके फिर है सब्जेक्ट मैथ, राइट द काउंटिंग 1 to 10 डेली, राइट वन पेज. आपको 1 से लेके काउंटिंग करनी है 1 पेज डेली. फिर है राइट एंड लर्न द काउंटिंग 1 to 20 डेली. आपको 1 से 20 तक भी काउंटिंग करनी है डेली. फिर राइम्स है आपकी, लर्न राइम्स. आपको राइम्स लर्न करनी है ईयरली टू बेड एंड ट्विंकल ट्विंकल. आपको ये दो राइम्स इंग्लिश में ये लर्न करनी है, याद करनी है. और हिंदी में आपकी राइम्स है नूडल बर्गर और पिज्जा, ये आपको लर्न करना है अच्छे से. नेक्स्ट है आपकी बारिश आई छम छम छम, ये राइम्स आपको अच्छे से लर्न करनी है. नेक्स्ट है सब्जेक्ट ड्रॉइंग, फिल इन द कलर इन दिस पिक्चर. मैंने यहाँ पर दो पिक्चर्स बनाए, एक बॉल है एंड मैंगो. आपको इनमें कलर फिल करना है. मैंगो में आपको येल्लो कलर फिल करना है एंड बॉल में आपको रेड ब्लू ग्रीन येल्लो कलर फिल करना है. थैंक यू.